वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास थर्ड का हिंदी सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर हमारा भाषा और व्याकरण का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हमें अपना अभ्यास करना है। तो अभ्यास का पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क है भाषा क्या है, तो आपका उत्तर होगा अपने या दूसरों के भावों को, विचारों को समझने और समझाने का साधन भाषा कहलाता है। ख है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। ग है भाषा को शुद्ध रूप, ग है हमारा भाषा को शुद्ध बोलना पढ़ना और लिखना कौन सिखाता है। ग है हमारा सांकेतिक भाषा, भाषा के किस रूप में मान्य क्यों नहीं है। जब आप ये सारे चैप्टर को रीडिंग कर लेंगे तो आपको इन सारे का उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये सब आपको अपने आप खुद से ही करना है। फिर दूसरा है हमारा भाषा और उसकी लिपि का मिलान करो। तो क में आप देख सकते हैं मराठी में, मराठी जो है उसकी लिपि क्या होती है, देवनागरी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डैश डैश करके एरो भी दिया है, जिसको हमें यहाँ पे कर देना है। ऐसे ही आपको मिलाना है कि किससे क्या है। क है उर्दू, तो उर्दू का आप देखेंगे कि क्या है, और ऐसे ही आपको ये मिलान करना है। तीसरा हमारा खाली स्थान भरो, और आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया है, जो सही होगा उसको वहाँ पे आपको भरना है। तो क है भाषा के लिखने का ढंग डैश कहलाता है। तो भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे देवनागरी लिपि व्याकरण हिंदी। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है लिपि, तो यहाँ पे हम लिपि लिखेंगे। और ऐसे ही आपको ख ग घ पढ़ के और सही ऑप्शन को भरना है। चौथा है हमारा वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो क, मैंने स्कूल जाना है। यहाँ पे मैंने ये इसके साथ नहीं सही है, मैंने स्कूल जाना है ये वाक्य ही रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे हो जाएगा मुझे, मुझे स्कूल जाना है। ऐसे ही आपके ख ग घ ये भी अशुद्ध वाक्य, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। और पांचवा है हमारा उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क है भारत की प्राचीन भाषा क्या है। आपको तीन तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आपका सही ऑप्शन है उस पर सही का निशान लगाना है। तो प्राचीन भारत की प्राचीन भाषा क्या है, तो भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है। ऐसे ही आपको ख ग घ पढ़ना है और सही ऑप्शन पे सही का निशान लगाना है। और अब हमारा छठवां क्वेश्चन है, नीचे एक भाषा वृक्ष है जिस पर विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के फल लगे हुए हैं। चित्र बनाकर पहचान कर इन लोगों को अपनी अपनी मातृभाषा वाले फल तोड़ने के में मदद करें। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो अलग अलग राज्य के हैं, इनकी भाषा अलग अलग है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कौन दिख रहा है, ये बंगाली है। तो ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो बांग्ला। तो यहाँ पे मैंने कर दिया मैच। और ऐसे ही आपको पहचानना है और उस फल से उसको मिलाना है। थैंक यू।